हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सारा जीवन लाड प्यार में बिताने के बाद लड़की जब अकस्मात एक नए घर में आ जाती है तो उसके अंतर में कितनी घबराहट होती होगी। कौन कैसा बर्ताव करेगा, कौन क्या कहेगा, यही सोचती होगी। यही समय उन्हें आश्वासन देने का है, जिससे उन्हें लगे कि उन्हें अपने घर से भी अधिक प्यार यहां मिलेगा। हमें रह रहकर महाराज जनक की वो करुण मुद्रा याद आ रही है। आंखों में आंसू लिए, हाथ जोड़े हमारे सामने खड़े थे। उन्हें बहुत चिंता थी कि उनकी राजकुमारियों के साथ अयोध्या में कैसा बर्ताव होगा। आपने तो केवल महाराज जनक की ही बात सुनी होगी, परंतु महारानी सुनैना के मन में कितनी चिंता होगी इसका अनुमान आप नहीं कर सकते। मैं कर सकती हूं। स्त्री की वेदना स्त्री ही समझ सकती है। हमने विदेहराज को आश्वासन दिया था कि उनकी पुत्रियों को हमारे यहां कभी कोई कष्ट नहीं होगा। कौशल्य, हमारा ये वचन निभाना तुम्हारा काम है। आप ये कहना चाहते हैं कि अयोध्या में कदाचित उनके साथ अच्छा बर्ताव न होने की आशंका भी है? नहीं नहीं, हम ये सोच भी नहीं सकते, परंतु केवल अच्छा बर्ताव ही तो पर्याप्त नहीं। सारा जीवन लाड प्यार में बिताने के बाद लड़की जब अकस्मात एक नए घर में आ जाती है तो उसके अंतर में कितनी घबराहट होती होगी। कौन कैसा बर्ताव करेगा, कौन क्या कहेगा, यही सोचती होगी। यही समय उन्हें आश्वासन देने का है, जिससे उन्हें लगे कि उन्हें अपने घर से भी अधिक प्यार यहां मिलेगा। तुम सबसे बड़ी हो, इसीलिए ये जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। जैसे पलकों के बीच आंख की पुतली को संभाला जाता है, उसी तरह इन चारों को अपने प्यार के आंचल में लपेट के रखना। आप निश्चिंत रहिए, वो थोड़े ही दिनों में मिथिला को भूल जाएंगी।